बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। धनक चैनल की तरफ से फिश आमदीद। आज हम बनाएंगे फिश कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है और बहुत मुनसिब सा स्टाइल है। इसके लिए सबसे पहले ये प्याज ले लिए, इनको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई करने के दौरान इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया था और ये देखिए ब्राउन हो गए प्याज। अब इनको हम निकाल लेते हैं। जी, प्याज निकालने के बाद कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, वो गर्म हो रहा है और इसमें मैंने फिश डाल दी है और जो प्याज है और उसके साथ टमाटर वो मैंने जग में डाल दिया है और इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि इसकी पेस्ट बन जाए। और फिश को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसको हल्का हल्का सा करना ताकि जो इसकी एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इसको निकालते जाना साथ के साथ ही, और इसको वैसे भी पहले हल्का हल्का सा मसाला लगा हुआ है। ये भी हो गई और इसको भी निकाल लेते हैं। अभी फिश फ्राई होने के बाद जो ऑयल था उसमें, उसी में मैंने ये जो प्याज की और टमाटर की पेस्ट बनाई थी वो डाल दी और साथ में मैंने ये थोड़ा सा लहसुन डाल दिया तकरीबन 1/2 टीस्पून, और इसको डाल के अच्छे से हम भून लेते हैं। जी, ये मसाला जो है ये भुन गया है और अब इसमें मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, और ये सब डाल के इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। नमक मैंने पहले डाल दिया था इसलिए नहीं डाला अब। जी, ये मिर्चें भी फ्राई हो गई और अच्छी सी खुशबू आने लगी मसाले की। अब मैंने ये इसमें फ्राई की हुई फिश डाल दी। जी, फिश को मसाले में डालने के बाद इसको इस तरह से मसाले के अंदर कर दिया और इसको ढाँप देते हैं। मीडियम फ्लेम पे ये पक रहा है। जी, 2 मिनट के बाद हमने इसका जो कवर था वो उतार दिया और इसको हल्के हाथ से पलट लेते हैं ताकि जो फिश की बोटी है वो टूटे नहीं। साइड पलटने से ये होगा कि दूसरी साइड से भी उसी तरह से वो कुक हो जाएगी। जी, इसको पलटने के बाद दोबारा से ढक दिया और 2 मिनट के बाद मैंने देखा ये बिल्कुल तैयार हो गई। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया और इसको ढाँप दिया और फ्लेम मैंने कर दिया बंद। ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी फिश कढ़ाई तैयार हो गई। उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जी, इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।